कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक पार्टी में। और वो पार्टी कैसी है, किसकी है, कौन सी पार्टी है, ये मैं वहीं जाकर आपको बताऊंगी। अभी बजे हैं, रात के 8 बजे हैं और हम सब जा रहे हैं पार्टी में। और आगे हम आपको पार्टी में मिलते हैं और देखना हमने क्या क्या किया वहाँ पर। बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। और ये आ चुके हैं हम पार्टी में। ये देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। ये मेन गेट है, अभी ये अंदर आगे रोड आगे जाकर है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू। ये देखो हम अंदर आ चुके हैं, सामने कुर्सी लगी हुई है और बिल्कुल देखो ध्यान से देखो सामने स्टेज भी लगा हुआ है और साइड में खाने का इंतजाम किया हुआ है। और मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हम कैसी पार्टी में आए हैं। और बर्थडे लग रहा होगा आपको, नहीं ये बर्थडे पार्टी नहीं है। और इसमें देखो सामने एक जादूगर है और वो जादू दिखा रहा है। अभी इसने एक कपड़ा लिया है और कपड़े को ये पता नहीं क्या करेगा, इसका ये कुछ और बनाएगा। आप ध्यान से देखना ये जादूगर क्या क्या करता रहे क्या क्या करता है। और अभी तो आपको थोड़ा दूर से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आगे जाके वीडियो बनाऊंगी, आगे जाके आपको दिखाऊंगी। ये देखो इसने तिरंगा झंडा बनाया है और सब ने अच्छे से क्लैपिंग की है। और अभी इसने आग ली हुई है और आग का ये कैसे फ्लावर बना देता है, वहीं का वहीं इसने फ्लावर बना दिया है। और ये देखो आप इंजॉय करते रहिए। और आपको लग रहा है ना ये बर्थडे पार्टी है, नहीं ये बर्थडे पार्टी नहीं है, ये एक 1.25 महीने का बच्चा है, बेबी है। और वो जो 1.25 महीना होता है ना, उसे जो बाहर निकालते हैं कुआ पूजन होता है, ये वो सेलिब्रेशन है। जो इनके रस्म व रिवाज थे वो तो शाम को हो चुके थे और अभी ये इनका मतलब एक बर्थडे की तरह ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अभी केक भी कटेगा, बने रहिए आप पूरी वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा और आपको नए नए जादू देखने को मिलेगा। और हाँ, अपने बच्चे को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, उसे इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियो, क्योंकि खासकर ये बच्चों के लिए ही बुलाया गया है। ये जो मैजिशियन है ये खासकर बच्चों के लिए बुलाया गया है ताकि बच्चे इंजॉय करते रहें, क्योंकि बच्चों की पार्टी है तो बच्चे इंजॉय करेंगे, हम थोड़ा ही ना करेंगे। अब ये देखो इसने क्या लिया है, एक कपड़ा लिया है और ये इसका भी कुछ बना देगा। और आप इंजॉय करते रहिए और देखते रहिए। जादूगर का जादू है, जादू का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। ये वही गाना चल रहा है इसमें, मैंने थोड़ी वॉल्यूम कम की हुई है, मतलब ये मैजिक के गाने चल रहे थे सारे और साइड में लोग डांस भी कर रहे थे। और सबका ये सवाल है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो तो खास कर सब्सक्राइब करके ही जाना। और लाइक कमेंट अगर आपकी इच्छा है तो वो भी कर देना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जो लोग कमेंट करते हैं। और बस अब इसके बाद हमने जादू देखा और जादू देखने के बाद हमने खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा डांस किया है और फिर घर आ गए हैं। करीब घर आए थे हम 10 बजे के करीब। अभी ये देखो इसने फूल बना दिया है, किस चीज़ का बनाया है ये आप ध्यान से देखोगे तभी आपको पता चलेगा ये फ्लावर किस चीज़ का बनाया है जादूगर ने। और ये देखो मतलब काफ़ी अच्छा, अभी ये फ्लावर भी तो गायब कर दिया और खाली पौधा पौधा रह गया है और फिर दोबारा से फूल लेकर आ गए हैं। ये मैजिशियन पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग, लेकिन जैसे भी करते हैं ये भी एक टैलेंट है इनका, बहुत अच्छा टैलेंट है। अभी इन्होंने ये एक सीधी स्टिक ली है, छड़ी ली है, अभी देखते हैं इसका क्या बनाते हैं। इसका बना दिया इन्होंने रिबन बना दिया, छड़ी के रिबन, मतलब आँखों के सामने ही कैसे करते हैं भाई, हद है। अब ये देखो जिनका सेलिब्रेशन हो रहा है उनकी फैमिली है और अभी उसकी मतलब बर्थडे की तरह ही केक कटिंग कर केक काटेंगे ये लोग। और एक नया एक्सपीरियंस हुआ है, एक नई चीज़ देखने को मिली है, मुझे भी आज फर्स्ट टाइम देखा है मैंने ये कुआ पूजन सेलिब्रेशन। और अगर आपको आप भी बने रहिए इस वीडियो में, मज़ा लेते रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है। और ये छोटा सा पालना है, और यहाँ मैं भी आ गई हूँ। ये देखो मैंने अपनी पिक लेने की कोशिश की है ताकि मैं भी आपको दिख जाऊँ कहीं की पार्टी में, हाँ मैं भी हूँ। और पीछे मेरे पीछे वो केक कटिंग कर रहे हैं और सामने से मैं अपने फोटो ले रही हूँ। और
ये देखो इधर खाना चल रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप खाना ले सकते हो। और यहाँ खाना खा के मैं आके बैठ चुकी हूँ, अभी मेरा बेटा गया हुआ है आइसक्रीम लेने, तो अभी उसने बनाई थी मेरी वीडियो। और अब बस हम वापस जा रहे हैं, अब मेरे हस्बैंड वहीं रुके थे, मैं मेरा बेटा वापस जा रहे हैं, मेरा बेटा मेरी वीडियो शूट कर रहा है क्योंकि वो वीडियो में कभी आता नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।